फरमाइए मोहतरमा। जी हमें एक नायाब चीज बेचनी है। नायाब चीज? आइए आइए अंदर आइए आइए आइए। इतने जहीन हैं आप अजीज, इतने जहीन कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना सा हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। अगर यतीम खाने के लिए शाही खजाने से पैसे नहीं आएंगे तो उन पांचों को पालना हमारे लिए नामुमकिन है अजीज। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा खाकर भूखे सोए, उससे तो अच्छा है कि हम दो लोगों का पेट अच्छे से भरे और चैन से सोए, है कि नहीं? इसीलिए कहती हूँ मैं, निकाल बाहर करिए उन यतीमों को और अपने निवाले बचाए। तुम जब अकल की बात करती हो ना तो बहुत हसीन लगती हो। चलो निकलो यहां से। हमें बाहर मत निकालो भाईजान, अंदर बाबा के अबू का जादू है, हमें महफूज नहीं है बाहर। समझ के लिए भाईजान, हम कहां जाएंगे, बाबा को तो आ जाने दीजिए कम से कम। ऐसी क्या गलती हुई है हमसे भाईजान? गलती तुम्हारी ये है कि तुम लोग यतीम पैदा हुए हो। तुम यतीमों को पालने के लिए मैं अपनी दौलत जाया नहीं कर सकता। खैरात बांटना बंद कर दिया है मैंने आज से। अब यहाँ से निकलो वरना एक एक की खाल उधर दूंगा मैं। चलो जाओ। भाई जान, भाई जान, भाई जान, भाई जान, भाई जान, भाई जान, हमारा कोई नहीं आपके सिवाय, कहाँ जाएंगे हम? भाई जान। आइए फरमाइए। जी ये नायाब है हमारे पास, आप बता सकते हैं कि इसके बदले में हमें दिनारी कितनी मिल सकती है? माशाल्लाह, ये तो यकीनन बहुत नायाब है। एक मोहतरमा आएगी, चोरी छुप के अपने जेवरात और गहने बेच रही, बस किसी भी बहाने से उसे बंद कर लेना। इसकी कीमत चुकाने के लिए हमें बहुत सारी दिनारी देनी पड़ेंगी। कुछ वक्त के लिए आप अंदर बैठिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। जी आपका शुक्रिया। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। जी जी आइए। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, और आइंदा यहाँ लौट के मत आना। भाई जान ऐसा मत करिए, कहाँ जाएंगे हम सब? मुझे बेहद जरूरी काम से काबुल शाही जाना पड़ेगा। बस तुम इतना ख्याल रखो कि जब तक मैं वापस ना जाऊं तुम लोग एक दूसरे का ख्याल रखोगे। भाई जान अगर यहाँ पे बाबा होते ना आपको कभी ऐसा नहीं करने देते। क्या कर लेते तुम्हारे बाबा?
पर वैसे भी तुम्हारे बाबा यहाँ है नहीं, चलो निकल जाते सब लोग। पर हम तो हैं बच्चों, ठीक हो? आसिम भाईजान, आपने बच्चों को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। हाथ लगाकर नहीं, इन यतीमों को सर चढ़ाकर गलती की थी मैंने, जो इन्हें बाहर फेंककर वो गलती सुधार रहा हूं। भाईजान, ये बच्चे अकेले नहीं है, हम सब हैं इनके साथ। बहुत खूब, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें मुबारक। चलो दफा जाओ सारे यहां से। डरो मत बच्चों, डरो मत। आप कहाँ हो बाबा? वापस आ जाओ बाबा। जरीफा, हमें किसी तरह बाबा को आगाह करना होगा। तुम जाके वो शाही घंटा बजाओ, हो सकता है उसकी आवाज सुन के बाबा सोचेगा कि परवाज में कोई मुसीबत है, इसलिए मुझे बच्चों के पास वापस जाना होगा। सुल्तान का कोई नया पैगाम लेकर आई है क्या? क्या पता, अब निगाहबान कहेंगे कि 3 गुना लगान भरी है। शाही घंटा, कहीं 40 चोर फिर से तो। ये परवाज में शाही घंटा क्यों बजाया जा रहा है? परवाज की आवाम तकलीफ में, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़ सकती है। आज परवास को मेरी जरूरत है और बच्चों को भी। आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते, पर बहुत जल्द मैं फिर आऊंगा आपसे जुड़े हुए इस इंद्रधनुष के रास पर से पर्दा हटाने, सारे सवालों के जवाब लेने। मैं जरूर लौटूंगा। हमें वापस जाना होगा। अली, तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पर हो, और तुम्हें अपने अब्बू से जुड़े सवालों का जवाब भी तो ढूंढना है। बेशक ढूंढना है फातिमा, लेकिन मेरे सवाल मेरे बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें चलना होगा। मलिका है तबाही, इस नाचीज का ये तोहफा कबूल करे। ये नायाब नगीना शहजादी मरियम का है। सद्दाम शहजादी का नगीना नहीं, शहजादी को पेश करो। आपका हुक्म सराखों पर सिमसिम जी, पर क्या है ना कि सुल्तान की मौत का सदमा लगा है शहजादी को, हालत थोड़ी खस्ता है, मतलब सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही है शहजादी को। मैं तो उसे ले ही आता, पर फिर मैंने सोचा कि अगर कहीं सफर में ही उनकी सांसें टूट गई तो अच्छा नहीं लगता ना, मरी हुई शहजादी आपको पेश करता। फिर भी आप चाहती है मैं उन्हें ले आऊं तो ले आता हूं। रुको, उसकी जिंदगी हमारे मकसद का अहम हिस्सा है।
3 दिन सद्दाम, 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ तुम्हें। जितना आराम देना है दे दो शहजादी को, लेकिन तीसरे दिन आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। सिमसिम जी, आप फिक्री मत कीजिए। सिमसिम जी, वैसे आपसे एक बात पूछूं? नहीं 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 सिमसिम जी, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि शहजादी को ना लोगों की समझ है और ना ही जहान की, फिर ऐसी मासूम मोहताज आपके मकसद के किस काम की? तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है सद्दाम, पूछना नहीं। नहीं 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 सिमसिम जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि शहजादी के बदले ये नाचीज कहीं आपके मकसद में किसी काम आ सके तो। शहजादी के बदले अपनी जान दे दो। अब मैं इस काम के लिए तो शहजादी ठीक रहेंगी सिमसिम जी। तुम जैसे कम अकल इंसान की बदौलत ही कायनात की आज ये हालत है। 3 दिन सद्दाम, 3 दिन के बाद तुम शहजादी के साथ यहाँ मिलोगे, वरना मेरे सिपाही तुमसे मिलने आएंगे। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा सिमसिम जी, सिपाही भेजने की क्या जरूरत है। अबू, यहाँ हम अपना भी ख्याल नहीं रख पा रहे। या अल्लाह मदद करे, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। वो तो हम तीनों सही वक्त पर आ गए, वरना भाईजान बहुत बदतमीजी कर रहे थे बच्चों के साथ। तुझे बात करनी चाहिए कासिम भाईजान से। ये क्या तरीका हुआ इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ पेश आने का? जब तक शाही खजाने से मदद नहीं मिलती ना, कासिम भाईजान मेरी एक नहीं सुनेंगे। Thank you.
बनाए आप मोती। इन्हें अगर ऐसी बात ही रहोगे ना गुलरीज तो खत्म हो जाएंगे। हमारा बाबा आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कासिम भाई को जाके डांटूंगा और इतने प्यार से डांटूंगा कि उनका दिल एकदम मोम की तरह पिघल जाएगा। फिर वो तुम्हें घर के अंदर भी लेंगे और अपने हाथ से तुम्हें चलपक भी बना के खिलाएंगे। हमें नहीं खाना उनके हाथ का चलपक, हमने उनके हाथ के धक्के खाए हैं और धोखा भी। हम सच में बहुत डर गए थे बाबा, अगर खुसरो भाईजान सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं हम क्या करते, और अगर अगली बार आपके पीठ पीछे फिर से कुछ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम। मैं वादा करता हूं आज के बाद तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक हम सब साथ हैं लगता है लड़की पकड़ी गई। सुनो बैसात को जाकर ये पैगाम दो, सुल्तान का काम हो गया है। जाओ कर लीजिए। नाच गाना तमाशा बंद हो जाए तो बता देना, तुमसे गुफ्तगु करनी है। बच्चों तुम यहां पे रुको, मैं आता हूं। मातरम कहिए ना क्या हुआ। क्या हुआ? अरे ये तो आप हमें बताएंगे ना कि क्या हुआ जिसके लिए आप लोगों को शाही घंटा बजाना पड़ गया। ये तब बजाया जाता है जब आवाम मुसीबत में हो। तो बताएं आप लोगों पे ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जिसकी वजह से आप लोगों को शाही घंटा बजाना पड़ गया, या फिर आप लोगों की इस गैर कानूनी हरकत के लिए आपको हिरासत में ले लिया जाए। मुसीबत थी हुजूर, वो दरअसल जरीफा को नींद में चलने की बीमारी लग गई है। बेचारी ख्वाबों में अपने आप को बहुत बड़ी साज नवाज समझती है। कई हकीमों को दिखाया हुजूर पर इसका कोई हल नहीं। नींद में चलते चलते बहुत बजाती है, मेरा मतलब ढोल बजाती है नींद में। कभी ढोल, कभी तश्तरी कटोरी, कभी कभी कुछ भी बजा देती है। पर आज हुजूर घर से निकली और घंटा बजाने लगी। देखिए, खैर इस बात का ख्याल रहे कि आइंदा इस किस्म की कोई भी हरकत या हिमाकत हुई तो आप लोग यहां नहीं सीधे कैद में नजर आएंगे जी। और तुम हिलना बंद करो। बच्चों को घर में दाखिल कैसे करवाऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुसरो कुछ गुनगुनाना, बीन बजाते हैं। हाँ माना कि कासिम भाईजान की फितरत सांप से मिलती जुलती है, पर बीन बजाने से वो काबू में नहीं आएंगे। तू कुछ गुनगुनाएगा तो मेरा दिमाग चलेगा। अब गा।
बाबा अभी मन नहीं है मेरा। हिंदुस्तान वापस जाना है कि नहीं? किशोर, जब देखो मुझे हिंदुस्तान का लालच देकर ना सब काम करवाते रहते हो। ठीक है सुनो, सारे गा ला 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 ला, सारे क्या बोला? ला 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 ला। मिल गया। क्या मिल गया? लालच। आसिम भाईजान ने ना तो मेरी बात कभी मानी है ना कभी मानेंगे, लेकिन लालच की सुनते आए हैं और आगे भी सुनेंगे। अब देखना तुम मेरी अदाकारी का हुनर। कहाँ है लड़की? पहले दिनारी,